गुड मॉर्निंग ओडिशा आपण मानको आम चैनल रे स्वागत। प्रतिदिन देश विदेश तथा राज्य रो बड़ खबर जानिबा सहित निजरो राशिफल प्रतिदिन जानिबा पई आम चैनल आईएमटी ओडिशा को सब्सक्राइब कर दियंतु। चलंतु वीडियो टी को स्टार्ट करियो। प्रथम खबर आगामी किछि सप्ताह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, सतर्क रुह कुंतु ता कहिसेंते मुख्यमंत्री। राज्य रे द्रुत गति रे बढ़िबारे लागिछि कोरोना संक्रमण, ता को दृष्टि रखि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक संध्या राज्य रे कोविड परिस्थिति ने समीक्षा करथिले। यह अवसर मुख्यमंत्री कहते सारा देश में कोविड 19 तृतीय लहर चली, संक्रमण द्रुत गति में वृद्धि पाई, तेणु आगामी किसी सप्ताह अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कोविड नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करने मुख्यमंत्री अनुरोध करती। परवर्त खबर दिनक 7000 टपिली, राज्य में कोरोना संक्रमण 7000 टपी। गत 24 घंटा मध्य 88018 नमूना परीक्षा कर 7171 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती, एपरिकी संक्रमण हार 10.25% को मध्य वृद्धि पाई। सुंदरगढ़ सर्वाधिक संक्रमण हार 22.8% थे, खोर्धार 17.1%, समलपुर 15.8%, कोरापुर 12.4%, कटक 11.1% रही। नूतन आक्रांत 4128 जन, क्वारंटाइन सेन्टर थे 2943 जन स्थान संक्रमित रही। परवर्त खबर राज्य में मकर संक्रांति पोलंग पालन लगला कटक, राज्य में मकर संक्रांति और पोलंग पालन कटक लगी। राज्य में बढ़ुआ कोरोना संक्रमण को दृष्टि रख राज्य सरकार एभली निष्पत्ति नहीं। साधारणतः यह अवसर श्रद्धालु मैंने नदी पुष्करिणी आदि निकट में भिड़ जमाई बुड़ पकई, एथर सबूक बारण कराड़ा मंदिर सर्वसाधारण पूजा अर्चना को मना कर। परवर्त खबर हाइकोर्ट रे रिव्यू पिटीशन दाखल कले सुमित, ब्रह्मपुर महानगर निगम बहु चर्चित तपस्विनी दास सुमित साहू को पारिवारिक विवाद मामला को दिनक दिन नूतन मोड़ नेबारे लगी। गत 4 तारीख में छत्रपुर जिला कोर्ट देखा निर्देशनामा को एवं हाइकोर्ट रे रिव्यू पिटीशन दाखल करते सुमित। तपस्विनी सहित रहा और मासिक 17000 टंका देवा निर्देश को हाइकोर्ट से चैलेंज करते एपर्यंत खबर आसी। परवर्त खबर त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 25 चूड़ांत प्रार्थी तालिका घोषणा, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा हो। राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशनर आदित्य प्रसाद पाढ़ी निर्वाचन कार्यसूची घोषणा कर। राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशनर घोषणा अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन लगे 13 January विज्ञप्ति प्रकाश पाई। 17 January-21 तारीख मध्य प्रार्थीपत्र दाखल कर, यापर 22 तारीख में प्रार्थी मान पत्र जांच कर, 22-25 तारीख मध्य प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करें। परवर्त खबर 5 पर्यायर हो मतदान, सब कल्पना जल्पना शेषर अंत घटी, आशा आशंकर पूर्णच्छेद पड़ी। आगामी पंचायत निर्वाचन पर राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशनर तारीख घोषणा कर। खबरदाता सम्मेलन कर राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशनर आदित्य प्रसाद पाढ़ी पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा कर। सूचना अनुसार आसंता 16 February पंचायत निर्वाचन पर मतदान आरंभ हो, February 18 द्वितीय पर्याय और February 20 तृतीय पर्याय, February 22 चतुर्थ पर्याय और February 24 पांचम पर्याय हेबो मतदान। परवर्त खबर आज पुणी मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक, राज्य में एवं कोरोना संक्रमण उपरमुहा होने आक्शन मोड को आसी राज्य सरकार, पुणी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक समीक्षा बैठक करेंगे। राज्य में कोरोना स्थिति को नहीं बैठक बस बेले मुख्य शासन सचिव SRC स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त सचिवों बहु वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहिबे। सूचना अनुसार कोरोना संक्रमण चेन भांगिबा पे किछि कटकणा लगा जाइछि। परवर्त खबर 2 दिन पर बस चलाचल स्वाभाविक, बालेश्वर और बारिपदा बस मालिक संघ मध्य तिक्तता जो गत 8 तारीख बस चलाचल बंद रही है। उभय RTO बस मालिक संघ पुलिस मिलित भाव आलोचना कर समस्या समाधान करिबा पर बस चलाचल स्वाभाविक होई। बारीपदार भाया उदोला दी बालेश्वर आसुवा ओ मोटर्स को बालेश्वर बस स्टाण छाड़ा नहीं अपराह 1:16 सरकारी समय धार्य होता बेले बालेश्वर संघ 2:10 समय मध्य देखा। परवर्त खबर 24 घंटे पिचु उठिला, प्रशासनिक उदासीन जो एवं व्यासनगर पौर परिषद प्राय प्रत्येक गलिकंदी समस्या जर्जरित जेनाक चिन्ह सहर भाव परिगणित हो। यह सहर 17 नंबर वार्ड अंतर्गत सापगड़िया मुख्य रास्तार स्टेडियम गेट पर्यंत 1 किमी रास्ता रविवार दिन पिचु पकड़ा, सोमवार दिन सका विभिन्न रास्ते से पिचु उठी जा देखा मिली।
এভাবে নিম্নমানের কাম করে অনুদানর সিংহভাগ অর্থ তথা ঠিকাদার এবং যন্ত্রী মিলিমিশি আত্মসাত করুবার সহ এভাবে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এপর্যন্ত মধ্যে মত প্রকাশ পাইছি। পরবর্তী খবর, ছাত্র নেতা ইতীশ সমেত দুইজন গিরফ। কংগ্রেস ভবনে পেট্রোল পকাই নিয়া লগাইবা ঘটনায় ক্যাপিটাল থানা পুলিশ সম্পৃক্ত দুইজন অভিযুক্ত গিরফ করে কোর্ট চালাণ করছেন। গিরফ অভিযুক্ত দ্বয় হচ্ছেন ছাত্র নেতা তথা পূর্বতন কংগ্রেস সভাপতি ইতীশ প্রধান এবং প্রসঞ্জিত মল্লা। এ সম্পর্কে কমিশনারেট পুলিশ প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে সূচনা দিয়েছেন। তবে জামিন নামঞ্জুর হওয়ার সেমানকে বিচারীয় বিভাগীয় জেল হাজতকে পঠা যাইছি। এই মামলার আহুরি একাধিকঙ্ক সম্পৃক্তি থাকি পুলিশ সন্দেহ করে মধ্য তদন্ত জারি রাখিছেন। পরবর্তী খবর, হাইকোর্টে রাজ্য সরকারক জবাব দাখল। আগামী ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন আদিবাসী এসটিঙ্ক সংরক্ষণ পর্ষদকে নিয়ে দায়ের মামলায় রাজ্য সরকার হাইকোর্টে জবাব দাখল করছেন। এনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার এবং পঞ্চায়েতরাজ বিভাগ প্রমুখ সচিবঙ্কু খণ্ডপীঠ পূর্বরু নোটিশ জারি করা যাইছিলা। সুবর্ণপুর এবং খোর্ধা জেলা সমেত রাজ্যের 23টি জেলার এসটিঙ্ক সংরক্ষণ নথিবা প্রসঙ্গে সরকার সত্যপাঠ জরিয়ারে মধ্যে জবাব রাখিছেন। পরবর্তী খবর, পঞ্চায়েতরাজ বিভাগে 210 সহকারী যন্ত্রীঙ্কু নিযুক্তি। রাজ্য সরকারক পঞ্চায়েতরাজ এবং পানীয় জল বিভাগ অধীনরে 210 জন সরকারি নির্বাহী যন্ত্রীঙ্কু নিযুক্তি মিলিছি। সেমানকু স্বাগত করে মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক কহিছেন্তি, গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ এবং পানীয় জল যোগান রাজ্য সরকারক দুইটি প্রমুখ কার্যক্রম। বিভাগের নূতন ভাবে সৃষ্টি হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডর হচ্ছে প্রথম ব্যাচ। নির্দিষ্ট সময়সীমা মধ্যে কচা ঘরগুলিকে পকা ঘর পরিণত করা রাজ্য সরকার মধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরবর্তী খবর, 5 লক্ষ ওমিসিআর কিট মগাইলা ওড়িশা। দেশের এবার করোনার নূতন ভেরিয়েন্ট ওমিক্রন সংক্রমিত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার লাগিছে। এই ভূতাণু চিহ্নট করোনা আক্রান্তকে নমুনা জিনোম সেকশনস ল্যাবকে পঠা যাচ্ছে। রিপোর্ট আসবা কিছু সময় লাগুবার সংক্রমণ মধ্যে বড়ি যাচ্ছে। কিন্তু এই ভূতাণুকে এবার সহজে শীঘ্র এবং চিহ্নট করা ওমিসিওর তথা কিছুদিন অতরে দাতা প্রস্তুত করে এই টেস্টিং কিটকু ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকাল রিসর্চ পক্ষ মঞ্জুরি মধ্যে প্রদান করা যাইছি। পরবর্তী খবর, 2 বছরে ইব নদী উপরে হব 2টি ব্যারেজ। মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক সুন্দরগড় সদর ব্লক অন্তর্গত কোপসিঙ্গা এবং কুড়াবঙ্গরে 499 কোটি টাকা ব্যয় অটকলরে ইব নদী উপরে নির্মাণ হওয়াকে থাকা 2টি ব্যারেজর শিলান্যাস করছেন। এই প্রকল্প কার্য আসন্তা 2 বছরে সরিযিব। এদ্বারা সুন্দরগড় মুনিসিপালিটি, সুন্দরগড় সদর ব্লক, লেফ্রিপড়া, বালিশঙ্করা, টাঙ্গরিপড়া আদি ব্লকর 48,000 লোক উপকৃত হবে। এস 488 হেক্টর জমিকে মধ্যে জলসেচনের সুবিধা মিলিব। পরবর্তী খবর, পঞ্চায়েত নির্বাচন বিজেডির হ্যাঁ বিরোধীঙ্ক না। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাইছি। রাজ্য নির্বাচন কমিশনর ভোট গ্রহণ তারিখ ঘোষণা পূর্বরু রাজ্য সরকারক আলোচনা করিথিবা বেলে সোমবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলর মতামত লোড়িছেন। কেবল তারিখ ঘোষণাকে অপেক্ষা করা যাইছি। গোটেপটে নির্বাচন কমিশনর এবং অন্যপটে রাজ্য সরকার নির্বাচন মুডে থাকা বেলে বিরোধী দল অমঙ্গরে হচ্ছেন। পরবর্তী খবর, টিকাকরণকে জোরদার করা উপরে গুরুত্ব দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীঙ্ক পরামর্শ। রাজ্যের দ্রুতগতির বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা সংক্রমণ। সংক্রমণ বড়ুবার দেখি মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি সম্পর্কের সমীক্ষা করে এ অবসরে মুখ্যমন্ত্রী কহিছেন, সারা দেশের কোভিড-19 তৃতীয় লহর খুব জোরে ব্যাপিছে। ওড়িশার মধ্যে সংক্রমণ দ্রুতগতির বড়ুছে। তেমন আগামী কিছু সপ্তাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রহব বলে বর্ণনা করা সহ সতর্ক রহবা উভয় জনসাধারণ এবং প্রশাসনকে মধ্যে পরামর্শ দিয়েছেন। পরবর্তী খবর, কর্ণাটকের ইটাভাটিতে পশিছেন পাইকমার 9 জন শ্রমিক। পেট কাখরে কঁড় ছুঁয়া ধরে শুদ্র কর্ণাটক যাই ভাল টঙ্কা মিলবার প্রতিশ্রুতি মধ্যে মিলি এমিতি কিছু আশা এবং এ পাখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে বরগড় জেলা পাইকমার 9 জন দাদন শ্রমিক খটেবাকে যাইলে কর্ণাটক। প্রথমে কিছুদিন ভালোভাবে গলাপরে ইটাভাটি মালিক দিয়েছেন নির্যাতনা। ইটাভাটি মালিক দ্বারা নির্যাতিত হওয়া পরে 9 শ্রমিক মানুষ মধ্যে উদ্ধার নিবেদন করা যাইছে। পরবর্তী খবর, ফেব্রুয়ারি 16 পঞ্চায়েত ভোট। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে প্রকাশ পাইছে তারিখ। 5টি পর্যায়ে রাজ্যের অনুষ্ঠিত হব পঞ্চায়েত নির্বাচন। সকালে 7টার অপরাহ্ন 1টা যায় পড়ব ভোট। ফেব্রুয়ারি 16, 18, 20, 22 এবং 24 তারিখে ভোট গ্রহণ করা যাব। ফেব্রুয়ারি 26, 27 এবং 28 তারিখে ভোট গণতি করা যাব। জানুয়ারি 17, 21 তারিখ পর্যন্ত প্রার্থীপত্র দাখল করা যাব। 22 জানুয়ারি প্রার্থীপত্র যাঞ্চ করা যাব। 25 জানুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা মধ্যে প্রকাশ পাইব।
परवर्त खबर 24 घंटे 7071 संक्रमित चिन्ह राज्य द्रुत गति में व्यापुची महामारी कोरोना गोटे दिन चिन्हट होती 7071 पॉजिट 0-18 वर्ष बयस मध्य 707 जन आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटीन 4028 जन थी लोकाल केस रही 2943 जन सेपर पूर्वपरि संक्रमित संख्या आगे रही खोर्धा जिला आज खोर्धार चिन्हट होती सर्वाधिक 226 जन कोरोना आक्रांत अनुगुण 43 जन बालेश्वर 49 जन बरगड़ 85 भद्रक 55 बलांगीर 190 जन चिन्हट होती परवर्त खबर प्रेस मीट डाकिली एसएसी आज बाजिब पंचायत विज्ञप्ति त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 11:30 घोषणा हो पारे निर्वाचन तारीख राज्य निर्वाचन आयोग डाकिछन्ति प्रेस मीट पूर्वाह्न 11:30 गीत गोविंद सदन में अनुष्ठित सांबादिक सम्मेलन पंचायत निर्वाचन तालिका घोषणा करिपारंती निर्वाचन कमिशनर गतकाली सर्वदलीय बैठक बसिता बेले राज्य निर्वाचन कमिशनर सपक्ष में अच्छी सेपटे विरोधी दल बीजेपी और कांग्रेस निर्वाचन घुंचाइबानी युक्तितर्क बाढ़ी परवर्त खबर रक्तमुखा हेब सुलिया पीठ आज प्रसिद्ध सुलिया जात्रा बलांगीर जिला कुलदीपड़ा पंचायत खैरपुर बड़खोला और कुमारीघीणार सानखोला जात्रा अनुष्ठित होती प्रत वर्ष यह परंपरा को पौरमास शुक्लपक्ष प्रथम मंगलवार दिन पालन करा जाउथवा बेले 14 वर्ष प्रथम मंगलवार प्रतिपदा सूर्य दर्शन थिबारु आज तृतीय मंगलवार पालन करा जाउछि कोविड कटकणा यात्रा पालन करबा पे भक्त एवं मानसिक धारी को अपील करछन्ते आंचलिक सुलिया यात्रा कमिटी परवर्ती खबर बढ़ुच संक्रमण बढ़ुची कंटेनमेंट जोन संख्या राजधानी भुवनेश्वर बढ़ुच संक्रमण बढ़ुच कंटेनमेंट जोन संख्या भुवनेश्वर 12 स्थान को पुणि कंटेनमेंट घोषणा करछन्ते बीएमसी सेथिमध्यर दक्षिण पूर्व जोन पक्षर 6 कंटेनमेंट घोषणा कर गोटे स्थान एकाधिक संक्रमण चिन्हट जो एवरी पदक्षेप निबल नर्थ जोन 4 और दक्षिण पश्चिम जोन 2 स्थान को कंटेनमेंट घोषणा करवर्त खबर मुख्यमंत्री न होगा जाए दाढ़ी काटबी ना कर्णाटक प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति डीके शिव कुमार राज्यर परवर्त मुख्यमंत्री भाव निर्वाचित न होगा जाए दाढ़ी काटबी ना बोली आयोजित एक राली में सप्ताह कर्फ्यू उल्लंघन अभियोग शिव कुमार और अन्य 30 कांग्रेस नेता गिरफ होते यह अवसर शिव कुमार कही त्याजे से बढ़ेवा दाढ़ी काटि ना मुख्यमंत्री हेले से क्योर हे सफलता केवल प्रदेश जनसाधारण कि सापारे से कही परवर्त खबर माकड़ अंत्येष्टि जोगदे 1500 लोक कोविड-19 जो राज्य में विभिन्न कटक जारी कर एक माकड़ अंत्येष्टि क्रियाड़े 1500 लोक सामिल होगा नहीं घटना सामना को आसी घटना गत 29 तारीख मध्यप्रदेश राजगढ़ जिलार डालपुर ग्राम से घटी माकड़ मूर्ति में दुखित हो दशपुला ग्रामवासी अंत्येष्टि क्रिया आयोजन करते अंत्येष्टि संस्कार पर ग्रामवासी टंका आदाय कर एक भोजि आयोजन करते एथिलागि कार्ड छपा जावास 1500 ग्रामवासी को मध्य आमंत्रित कर परवर्त खबर यूपी समाजवादी पार्टी सह मेट कर एनसीपी पाखे आसू उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन समय यार भितर राष्ट्रपति कांग्रेस मुख्य शरद पवार एक खबरदाता सम्मेलन बड़ घोषणा करवार कहते उत्तर प्रदेश एनसीपी समाजवादी पार्टी एवं अन्य छोट दल सह मिसी निर्वाचन लड़ाक जाऊँ उत्तर प्रदेश जनता परिवर्तन चाहूँ परिवर्तन आगामी विधानसभा निर्वाचन में देखा मिले परवर्त खबर दलय टिकेट पर प्रतिद्वंदी को हत्या कले एमपी समाजवादी पार्टी बा सपा नेता फिरोज अहमद को हत्या मामले एमपी रिजवान जाहिर को समेत 5 जन को गिरफ्त कर बलरामपुर पुलिस गिरफ होता अभियुक्त मध्य एमपी झी ज्वाई पुलिस पक्ष गत वर्ष अक्टोबर सपार जोगदे फिरोज मोहम्मद जनवरी 4 तारीख रात तुलसीपुर स्थित घर तक फेरता बेले एक गोष्ठी आक्रमण कर आक्रमणकारी 50 वर्ष नेता बेक काटी हत्या करते परवर्त खबर आइसोलेसन लोकों पर योग क्लास घोषणा कर दिल्ली सरकार दिल्ली में कोविड संक्रमण बढ़िवे लगी दिल्ली सरकार पक्षर कटक जारी कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आइसोलेसन लोकों पर योग क्लास घोषणा करलैन योग क्लास आयोजन होगा से कहते एक टीम 15 जन ब्याच क्याश पचाला करेंगे तेज पंजीकरण से लिंक पठाई दिजा ये योग क्लास सका 6 दिन 11 पर्यंत मोट 8 क्लास अनुष्ठित हो परवर्त खबर मकर संक्रांति में गंगा स्नान बंद देश में कोरोना महामारी जो आतंक देखाई
दैनिक संक्रमण पुणि वृद्धि पाइबारे लागिछि। फल स्थिति अणायत्तर होबारे लागिछि। कोरोना संकट मध्य मकर संक्रांति जनवरी 14 रे पड़ुछि। हेले एही दिन गंगा बुड़ पकाइबार महत्व रहिछि। देशर विभिन्न प्रांत श्रद्धालु मान गंगार बुड़ पकाइबाक आसिथान्ति। तेबे कोरोना तृतीय लहर जोग संक्रमण को दृष्टि रखि गंगा स्नान मध्य बंद लागि निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर, विदेश फेरंता कटे 7 दिन होम क्वारंटाइन अनिवार्य। देश में कोरोना संक्रमण जो आतंक देखाई दैनिक संक्रमण पुणे वृद्धि पाइबारे लगी। फल स्थित अणायत्तर होबारे लगी। सुरक्षा दृष्टि भारत को विदेश आसुवा समस्त जात्री एक सप्ताह होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर आंतर्जातीय यात्री मानी केन्द्र सरकार एक संशोधित निर्देशावल घोषणा कराद्वारा सारा देश में द्रुत विस्तार हो कोरोना भूतान नूतन भेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण को मध्य रोका जाई परिबो उपर प्रतिबंधक मध्य लगा जाई परिबो। परवर्ती खबर, 28 राज्य केन्द्र शासित अंचल रे पहुंचिला ओमिक्रॉन। देश रे कोरोना महामारी नूतन भेरिएंट ओमिक्रॉन जो आतंक सृष्टि होई ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या प्रतिदिन बढ़िबारे लगी। इतिमध्ये देश रे 28 राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल रे ओमिक्रॉन आक्रांत संख्या 4461 रे छुई। महाराष्ट्र आक्रांत संख्या सर्वाधिक रही। एठार आक्रांत संख्या 1247 रही। राजस्थान आक्रांत संख्या 645 पहुंची जाइए। भिडियोटी शेष पर्यंत देखिथिबापई धन्यवाद। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रतिदिन देश और राज्यर बड़ खबर जानवा सहित निजर राशिफल जानवाप धन्यवाद। थैंक यू।